खुल के खुल के बैठे रहो फिर कर दंडौत बंधन अनकबार सर्वकला समरथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी सर्वकला के रोजी रज़ाक रहीम रहक के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफवल गुनाह हैं के शान शाह हैं के कारण को निंद हैं के रोजी दहिंद हैं सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर भक्त नानक दे कर भक्त अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले बुलाया तेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा कीर्तन विच आप जी बबीहे दे बोलन दा
सुन रहे सो पी बबिया बोले। एक दिन मैं तुहानू दस्या सी एनू आप इतो तू क्या इतने लग गया एनू जो भी शिमले आ गया थोड़े जो। एक दिन आप जी ने दस्या भी पपिया गुरबाणी च किनू क्या नहीं। एक दिन दस्या सी भी गुरबाणी च पपिया मतलब की आ पपिया जीव आत्मा नू क्या हूं तो पता लग गया किनू जी पपिया कह के पुकारिया। उथे लिखिया बबीहा अमृत वेले बोलिया। जितरा रात तो बाद अमृत वेला होया ते बबीहा बोलिया उन्हें प्रियो 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 दी आवाज दिती तां दर सुनी उदी दर ते सुनी गई। तेरिया जड़िया 84 लख दूसरिया जूनिया सी वो रात सी। नोट करी की आख्या जड़िया 84 लख दूसरिया जूनिया सी ना वो एक गहरी रात सी। मनुखा दे अमृत वेला है नहीं पता लगा जी मनुखा दे जड़िया 84 लख दुनिया दूसरिया जूनिया सी फिर ते कुछ गल ना हुई उच्ची बोलो गहरी रात सी जिदे विच तेन कुछ ना दिसिया आखो वाहेगुरु ये देने अमृत वेला है कि मनुखा जन्म अमृत वेला है। जे ओ अमृत वेले बोलिया ते ओदी पकार सुनी गई लिखिया है बबीहा अमृत वेले की होया ते तेरी भी देह आए हुण अमृत वेला है मनुखा जन्म अमृत वेला है तू बोलेगा ते तेरी भी सुनी जोगी बोल के ते वेख वाहिगुरु 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 जोड़ के जी जोड़ के बह जाओगे तो बड़ा कुछ मिल जाओ Yeah.
सुनना है, इन्हू चुकया कन्ना का सुनना है। एक मिनट च भोग पै जू आप सतनाम सिंह। एक इशारा सी सतगुरु ने हमने बख्शिया, तुसी कदी कड़ाह प्रशादी देग लैनी होवे तुरे फिरदे नूं मिलदी दसो ना? बंदा तुरिया फिरदा होवे ते कहे मैनू प्रशाद दिओ, देग दिओ, मिलदी? खलोते नूं मिलदी? जरूरी है बहना यह प्रसाद ताडे ते वरत सकदा है। वाहिगुरु गुरमंत्र दा प्रसाद, जे प्रसाद सब की गत होए, जेडे प्रसाद नाल गत मिलने हुंदा भला, जेडे प्रसाद नाल सब दा भला होना है ना, ये तुहाडे बुक च पै सकदा है। मगर जे तुसी बोलो पै जाते बहना सीख लो, बहिंदा नहीं जी, भजा फिरता है इधर उधर, शरीर दे विच बैठा हुआ भी भजा फिरता है। बबीए दी सुनी गई, बबीए ने तन करके मन करके एक होके पुकार की, बबीहा प्रियु प्रियु करे, ओदी पुकार ओदे बोल कदी सुने हो गुरु के सुख्यो। चात्रक शब्द सोना नहीं होंदी किसे नूं, चात्रक शब्द सुन अखियां उगड़ गई, नहीं बदल चात्रक दे बोल सुने। चात्रक पपीए नूं कहिंदे, नोट कर लो, पपीए दा एक नाम बाणी च चात्रक भी आया। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई बिलप करे, बिलप दा अर्थ है विरलाप। मेरी रूह गरीब नवाज पपी एंगू विरलाप कर रही कि तू मैनू अपने दीदार बख्श। अख वाहेगुरु, मेरा मन लोचे बिलप, बिलप मने की दिया बोलिया करो, पता लग विरलाप कर रही मेरी रूह। त्रिखा ना उतरे शांत ना आया, प्यास नहीं बुझदी तेरे दीदार तो बिना। आखो जे पपिया बोलिया बबिया प्रियो प्रियो वाहगुरु 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 वाहगुरु। अंदरों आवाज निकले पपिए वर्गी, हुणे मीं पैजू जो तुसी
हर बंदा ज्योतिषी बनिया भी कल नूं मीह पैना कहिंदे बोलो ना हर बंदा ज्योतिषी बनिया जदों असीं छोटे हुंदे सां कोई भविष्यवाणी नहीं सी करदा उदों मीह नूं वेखण दा पैमाना सी पपीए दा बोलना मेरी उम्र दे ओ मीह नूं देखण दा पैमाना की सी पपीया बोल पिया ते लोकी कहिंदे सी कल दा पपीया बोल रहा हुण मीह पै लैणा है एक बड़ी प्यारी कहानी सी भी कल दा पपीया बोलदा है हुण मीह अज नहीं ते कल पै लैणा है सिखा बोलते सही किते कहते सही पपीया बेनती करे बोलो इधर नूं हाथ जोड़ के पपीया बन के गुरु साहब नूं आ काला बदल चढ़िया बैठा काली कटा चढ़ी बैठी तेनू नहीं दिस रही बड़ी दैस दै दिस छतर मेघ कटा कट दामन चमक डरायो इहदे च बिजली चमक रही दसां दिशावां तो कटा चढ़ के आई गुरु ग्रंथ साहब महाराज दस पातशाहियां दे विचार आखो वाहिगुरु तू बोलते सही बबीहा बेनती करे केड़े बबी वेल ध्यान खड़ोगे फिर जीव अपने वालों जीव आत्मा नूं नहीं हुण मैं शरीर का कोठा परे करता मैं आत्मा के तौर ते बोल रहा भैन किधर चलेगी शरीर के कोठे नूं मैं परे करता हुण विचों मैं बोल रही हाँ कोठा नहीं बोल रहा वो जिहड़ा कोठे दे विच बैठा उहदा नाम पपीया है समझदे हो मैं की कह रहा जिहड़ा कोठे दे विच बैठा उहदा नाम की है बबीहा बेनती करे कर कृपा दिओ जी दान जी दान आंदे तैनूं मैं बहुत कुछ दिता है अगों आवाज आई मैं तैनूं बहुत कुछ दिता है उन्हें कहा जी वो जो दिता है इधर आओ सामने तुसी नौजवान सिंह सर इत्थे आओ जो दिता है तुसी गरीब नवाज हो मेरे तन नूं ढकण नूं दिता है नहीं पता लगा एवें ना कहना जगजीत कौर जे नहीं पता लगा तो मैं फिर दसदा रोटी दिती तुसी मेरे तन नूं पालण नूं दिती आखो वाहिगुरु कपड़ा दिता मेरे तन नूं ढकण नूं दिता है पकड़ियो पानी दिता है मेरे तन की प्यास बुझाउण नूं दिता है पकड़ रहे हो जी गुरु के सिखो वो सोने दाड़े वाले पकड़ रहे हो ये जो कुछ तू बाहरी खुराक दिती है मेरे शरीर नाल संबंधत है अज मैं शरीर ना नहीं अंदरली खुराक मंगदी हाँ आत्मा की खुराक की है वाहिगुरु का नाम अखां जीवां वो खुराक जड़ी पानी दो घंटे ना पियो तीन घंटे ना पियो जींदे रह सकदे हो वो कड़ी प्यास है जड़ी एक छिन भी परे हुंदा पानी जां अमृत वो जड़ा ते बंदे दी मौत हुंदी जित वेला रे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा मैं नहीं लाश तां तुरी फिरूगी पता लग रहा भी लाश तां तुरी फिरूगी गड्डी चलाउंदी फिरूगी मगर अंदरों जीव मर चुकिया होगा मुर्दा तुरिया फिरदा होगा अज बापू मैं तेनू बेनती कर दी बबीहा बेनती
पुत दिते धिया दिता तुहाडा शुक्र, तुसी रोटी दिती कपड़ा दिता घर दिता तुहाडा शुक्र, मगर जी दान मेरी जिंद दा दान कर कृपा दियो जी दान। की मंगदा है उन्हें पूछा की मांगदा है तेरी जी दा तेरे दा दान की है। जल बिन प्यास न उतरे, तेरे नाम रूपी जल तो बिना मेरी छुटक जाए मेरे प्राण, छुटक जाए मेरे साहब जी तेरे अमृत नाम तो बिना छुटक जाए मेरे प्राण, छुटक जाए मेरे साहब जी मर जूंगा मेरे मुंह च पाओ वाहिगुरु 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 खुल के खुल के। गुरुदास जी ने वचन किया आ जिन्ने ने ना तुसी सिख बैठे तानू भाई साहब ने कहा मोर ते पपीए की आख्या सारे नू ए दो पक्षी ने जिन्हों का प्यार पानी नाल है मोर दा भी मोर भी बदल नू वेख के पहला पाउंदा अख वाहिगुरु ते पपीया भी पानी नाल प्यार कर दो ना दिते गोड़िया दे हथ रखो हाँ ते रीढ़ दी हड्डी सीधी करो ओ सामने जिथे चौर हो रहा इनू समझ लो भी मेरे खेत उत्ते मीह पैण लई मेरी पकार सुन लई ये बदल चढ़ के आया इहदे विचों वरदा सब कुछ आखो वाहिगुरू इहदे विचों ही वरदा है होर कोई बदल नहीं कोई दुनिया की एक बंदा एक शरीर आ आखो वाहिगुरू कोई शरीर आया किसी के घर में उन्होंने कहा महाराज कृपा करो साढ़े से कोठिया से लोग चढ़ गए इन्हों के घर कोई बंदा आया जिस तरह दूसरा सौखा जहा शब्द मान लो बदल चढ़ के आया तुहाडे शिमले बहुत आते कोठिया ना लग जाते बापू की बाणी च लिखिया क्या उठ उठ देखो बपड़े नहीं क्यों क्या लोग कोठिया से चढ़ गए भी की आया फिर तो बहुत गया जरूर कोठिया से चढ़ के लोग की वेंदे बदल आ गया
बल्ले 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 जुली बिस्तरा सामलो, बदल आ गया बदल आ गया, कपड़े नहीं इन्हें सामने देने, क्या उठ उठ देखो बपड़े बपड़े मने बेचारे लोगो उठ उठ के की वेंदे हो, ये जरा बदल चढ़ के आया ना, इस मेघे हाथ किश ना है, इस बदल दे हाथ विच कुछ नहीं है, कोई है जिन्हें बदल नू भेजिया? नहीं पता लगा जी, पता लगा? क्या उठ उठ देखो बपड़े, इस मेघे हाथ किश ना आए, जेड़ा बदल चढ़ के आया। आप पिंडां दे तुसी बैठे हो मेरे भैन भरा मेरे हम उम्र जड़े ने, कई बार इनिया घटावां आउंदियां, एक बूंद नहीं डिगदी हवा उड़ा के लै जांदी, तुहाडी ते मेरी जिंदगी दे नाल बेअंत लोकां नूं तुसी वेख्या है, मनुखा देह भी मिली बदल भी आया, मगर एक बूंद नहीं किते नाम दी डिगी हवा उड़ा के लै गई बदल नूं, समा मनुखा देह दे सारे सुआस खा गया, एक बूंद ना डिगी। दुनिया दे लोगो क्या उठ उठ देख, ऐ पता लग गया सारे नूं? जिन्हों नहीं लगा हाथ खड़ा करो फिर समझाना, लगा है सारे लग गया भी जे बदल चढ़ के आया तो बूते खुश ना हो, इस मेघे हाथ के शनाए, इस बदल दे हाथ में से जिन ए मेघ पठाया, जिन्ने बदल नू तिस राखो मन माए, तिस राखो पता लग गया जिन्ने बदल नू, ओ कौन है? साहिब गुरु ग्रंथ साहब महाराज दीन दुनिया का मालिक, जेड़ा बदल भेजन वाला है, आखो वाहेगुरु, तेरा मारो गोडिया ते रखो हाथ, मोर पपीए बोल दे, मोर पपीए बोल दे, मोर अज बोल ही पैण, मोर पपीए बोल दे, मोर पपीए बोल दे, मोर देख बदल काले, देख बदल काले, देख काला चढ़ के आया। साहिब गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रकाशमान सामने हुए, मगर मीह उत्ते पैना जिदे मेघे नू फरमान होआ, वरसो कृपा गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दीन दुनिया दे विचों मीह भी उदो पैना जो रब दा हुक्म होया, ते आओ हुण मोर बन जो पपीए बन जो, उस तरह जितियां प्यासियां उन्हां दियां बाजां निकलदियां ने मोरां दियां पपीआं दियां, आ शरीर नूं छड़ दो, इन्हां कोलों मैं बीबी हां मैं बंदा वां, अंदरले मोर ते पपीए बन के वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, बोलो बोलो वरुणा, what?
महाराज कृपा कर दो। सतनाम श्री बबीहा प्रियो प्रियो करे प्रियो प्रियो मिंज वाहेगुरु वाहेगुरु बोलो। जो अज तो बाद गुरबाणी चो प्रियो प्रियो पढ़ोगे ना तो मतलब जीव आत्मा की कर दी वाहेगुरु 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 ये प्रियो प्रियो आ बंदे दे रूप च बबीहा बोलता तो आवाज निकलती प्रियो 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 बबीहा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पकार मेघे नू फरमान हुआ वरसो किते ते इथो तक आ गया। बबीहा बेनती करे कर कृपा दियो जी इना को फर्क समझ लिया जी दान दा ते मेरे दान दा मेरा दान कपड़ा रोटी घर ये मेरा दान है शरीर दा जी जिंद दा दान की है वाहेगुरु वाहेगुरु इन्हें एदे ना जींदे रहना है आखो वाहेगुरु। महाराज पातशाह कहिंदे कर कृपा दियो जी दान जल बिन प्यास ना उतरे छुटक जाए मेरे प्राण मेरे मालक मेरे प्राण छुट सकते ने। इनू मलार राग कहिंदे जिहदे विच बार बार पपीए दे जिक्र आए ना इस राग का नाम है मलार राग ते ए दो महीने हुण गाया जाना है सौण दा ते भादरों दा इन्हां दो महीनों दे विच गाउणा इहनूं रागियां ने आखो वाहिगुरू। जे कोई बसंत दे गाउण दी भी एक रोतिया इतना मलार राग गाउण दी भी एक रोतिया जिहड़ी अज दी रुत चल रही है रागी साहब दा वाजे ते हथ धरना ते उहदी सुर विचों पहलों ही पता लग जांदा है भी इह मलार राग गाउण लगा। ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਨੰਤਰ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਝੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਰਾਗ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਗ ਏ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਰਾਗ ਗਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੇਰਾ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਪਪੀਏ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਪੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਲਈ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਪਿਰਿਓ ਪਿਰਿਓ ਕੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕੋ ਮਨ ਮਮਾ ਦਰਨੇ ਦੇ ਸਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਮਨ ਇੱਕੋ ਸਭ ਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਤਨਾ ਹਵਾ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਓਹੀ ਬੋਲੋ ਹਮਲਾ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਇੱਕੋ ਮਨ ਇੱਕੋ ਸਭ ਠਾਏ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਘੜੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਲੋ
ते पानी नाल भर दो, हजार दे विच झाती मारो, आसमान ते चंद्रमा एक आ, मगर सारिया घड़िया विच हवस माणी जोत बोलो जोत। अजे पकड़ के नहीं, पता लग गया सारिया चो दी जोत समाई हुई है। हवस माणी जोत जो जल कटाऊ चंद्रमा बोलो अजो घड़े दे विच जितना चंद्रमा तो एक ही है ना, ते रब भी सारिया दे विच समाया पिया। इथे भी कहते पूर्ण पूर रहो सब जाए गुरपूरे सब भरम चुकाया। मेरे को क्या नहीं गया गया ते तुहाडे को सुनिया नहीं गया गया, तुहाडे चेहरे दस रहे मेरे कहण च ही फर्क है। जिदे को कहण वाला होए अखो वाहिगुरु। ते परसों चौथ दे शब्द तुसी सुनिया सुन हर कथा उतारी सारी महल लथ जांदी कथा सुन के। जे किसी नूं कथा करनी आउंदी होवे तां मेरे साहब जी कहिंदे हुण मैं भरम दी कितना गल करां तुहाडे नाल, इह भैण नूं पता है भरम कितना मैं गल करां तुहानूं। पहली गल ते आपां नूं इह पता ही नहीं वी भरम है की भरम है, कोई हथ खड़ा करके दसो। आखो वाहिगुरू नहीं, सब तो वड्डा भरम है असी जीव आत्मा नूं भी मैं शरीर हां, मैं शरीर नहीं पता लगा जी। कोई किसे 512 नंबर कोठी च रहिंदा होए, हरप्रीत कोल पता लग रहा 512 नंबर कोठी च रहिंदा होए ते ओह कहे मैं ते 512 नंबर कोठी हां, कोई गल बनू? वेखो चित के दसो मैनू चित के। कोई बंदा रहिंदा होवे 512 नंबर घर च ते ओह सारे नूं आख्या करे जे मैनू मिलना ही ते 512 च आ जी ते 512 नूं वेख के चल जी। उस भोले नूं इह नहीं पता भी मैं 512 नहीं, मैं 512 दे नंबर च रहण वाला वां, इह शरीर दे रूपी कोठे च तुसी रहण वाले हो, तुसी कोठा नहीं, इह भरम आ। आखो वाहिगुरु। ये की है फिर बोलो। एक महापुरुष ने पूछा किसी ने भी सब तो वड्डा पाप की है, ध्यान दियो सब तो वड्डा पाप की है। वो कहिंदा अपने आप नूं देह मनना नहीं बदलना, अपने आप नूं ये मन के रहना भी मैं शरीर हां, ये पाप नहीं, ये पाप का भी बाप आ। सारे पाप ए पैदा होंगे जो बंदा अपने आप नरीर मनता है, औखा है, कमाई करोगे तो अगे अगे जाके पता लगू। आखो वाहिगुरु के बोलो। सारे पाप देह चो पैदा होंगे ना, ते जे मैं देह चो बने हो जा ते मेनू पाप कदा है? पाप पुन का तिसलेप ना लागे, पाप पुन तै भई कहावत। ये तुहाडे लिए एक कहावत बन के रह जाए, जे तुसी ए मन के जान लो कि शरीर विच रहण वाला वा मैं, ते पाप सारे किने कीते मैं के शरीर ने, ते शरीर दी चुक के पंड ते तुसी ते मैं परेशान होए बैठे हां। सब तो वड्डा ए भरम गुरु ने दूर कीता, तू शरीर नहीं। गुर पूरे सब भरम चुकाया, पूरे गुरु ने मेरा की भी मैं शरीर नहीं। खुल के बोलो मैं शरीर दे विच रहण वाला वा। आखो वाहिगुरु। तुसी दसो एक कोठे विच कोई रहिंदा है, उस ओ कोठा डिग पैंदा है, कोठे दे विचों निकलण वाला बाहर जाके चल जांदा है, कोठा डैमेज हो गया, जिहड़ा रहण वाला ओ ते सचमुची हर वार जो शरीर तुहाडा सवास पूरे करके अपने आप नूं छड्डदा है तुसी फिर जिउंदे निकलदे हो, अगली जूनी लैंदे हो, नहीं पता लगदा चौंकड़ा मारो फिर की आख्या तुसी अगली। जे तुसी जान लैंदे हो
फिर नहीं। जे तुसी ये जान लेंदे हो भी मैं कोठे दे विच रहण वाला, मैं कोठा नहीं, आपे वख हो गया जूनी का दी, तुसी कोठे नूं आपा मन के बैठे हो। ये भरम दूर किया, गुरपुरे सब भरम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। मेरा साहब कहना मैं सिमर सिमर करके सारा भरम दूर हो गया, ते मैं जूंदे जी की कोठे चो। जिन्ने चिर नूं कोठे नूं अग लाउणी सी ओने चिर नूं मैं कोठे चो की करके वाहिगुरु वाहिगुरु निकल जाओगे। रागी साहब आ गए, एक शब्द कह के समाप्ति करना, कबीर काया कोठी काठ की। बोलो काया कोठी काठ की। काठ मीन लकड़, ये लकड़ दा घर आ, ते इहदे च क्यों दिस लागी आग, विषय वकारां दी क्यों दिशावां तो लगी। हुण पंडित पंडित जल मूए, जिहड़े कहिंदे ना असीं सियाणे आ जी, सानूं सियाणा है, पंडित पंडित ते मूर्ख उभरे भाग, मूर्ख उभरे मूर्ख छाल मार के बाहर हो गया, मूर्ख भजूगा सियाणा नहीं भजूगा। सियाणा को कहा नहीं वेख लीए और दो चार साल, एक साल होर वेख लीए, जिन्हां नूं पता लग गया भी इहदे च अग लगी, वह मार के छाल दे चो बाहर हो गए। उन्हां नूं पता है मैं घर नहीं, मैं घर दे विच ते छाल मार के घर चो हो सकदा मैं। मेरा गुरु कृपा करे, ये ब्रह्म विद्या है कि ते मेरा सतगुरु सिख पंथ नूं सिखावे। ये ग्रंथां दी विद्या तो तां उठ के, जिहड़े आ ग्रंथ पढ़िया, मैं आ ग्रंथ पढ़िया, साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते दसम पिता दी बाणी, दोनों ग्रंथ में बाणी जोई, चुन चुन कंठ करे नित सोई। ये तो अलावा जिहड़े ग्रंथ ने प्रमाण दिते जा सकते, भरोसा नहीं किया जा सकता, उहदे च कोई मिलावट भी हो सकती। ये दोवां ग्रंथां दी जिहड़ी अमृत बाणी, उहनूं चुन चुन के कंठ करो, जदों इहनूं तुसीं समझना शुरू कर दोगे, सचमुची घर छड के बाहर हो जाओगे। आखो वाहिगुरू मेरा गुरु कृपा करे। 24 तरीक नूं अमृत दा बाटा तैयार होना है, जिन्हां जिन्हां अजे अमृत नहीं छकिया जां जिन्हां कोल कोई भुल हो गई, इको एक घर साडा है जिथे जिउंदे जी अदालत विच जीव आत्मा चल जांदी, जिउंदे जी ते सची मुची जिउंदे दी सर्टिफिकेट लै सकदी आ वी जिहड़ियां मेरे कोलों पिछे गलतियां होईयां ने, मैनूं 5 जजां दी बेंच ने, बोलो किन्नियां जजां दी बेंच ने, 5 जजां दी बेंच ने माफ करदा है मैनूं, 5 ने मैनूं कह दिता जा तू बख्शिया गया, अज तो हौला फुल होके सिख आ जांदा है जिदन 5 कोलों माफी मंग के आउंदा। जे को भुल्लां होईयां ने ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह दे नच साजे नवाजे 5 प्यारे साहिबाना कोल आओ, उहनां नूं अपनी गलती दसो ते सुरखरू हो जाओ। कई बंदे बहुत मरण वेले तक भार झुक के मरदे ने, मेरे कोलों आ गलती होई, मेरे कोल आ गलती होई, अगे किसे ने नहीं बख्शना। सिख दी अदालत इत्थे ही लगी आ, सिख ने इत्थे ही बख्शे जाना है, सिख दी इत्थे सुनवाई होनी आ। भुल्लां ना चितारियो, कल अगले शब्द की विचार करांगे। कुछ दिनों बाद 25 तरीक तो शाम तो सकारपुरो गुरुद्वारे 1 हफ्ते की कथा होगी, जिन्हां कोल सतगुरु ने गड्डियां बख्शियां 7 तो 8 बजे तक टाइम होया करो, उत्थे भी हाजरी भरियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा।